बड़ी खबर आ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बड़ी बचत होने वाली है। पाकिस्तानी तामीरात में चीनी सामान इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मौज़म घुरकी ने ऐलान किया है कि जल्द ही पाकिस्तानी तामीराती शोबे में चीनी इमारतों का सामान और तरीके इस्तेमाल किए जाने लगेंगे। मौज़म घुरकी ने पाकिस्तान चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्रेटरिएट में एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास के दौरान दावा किया कि चीनी इमारतों के सामान और तरीकों का इस्तेमाल सनत में इनकलाब बरपा कर सकता है और पाकिस्तान की मईशत को इंतहाई फरोग दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के माहरीन ने इलाकाई तामीराती सनत का तज्जिया किया और इस साल 6% इजाफे की इत्तला दी। न्यूज़ एंड व्यूज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी। 11.8% की औसत सालाना शरह नमू के साथ माहरीन ने अंदाज़ा लगाया कि अगले 7 सालों में ये शोबा हैरान कुन तौर पर 92% तक बढ़ सकता है। मौज़म घुरकी ने चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर इमारत साजी की सनत को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जो कि सस्ती और जदीद दोनों होगी। घुरकी ने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले सालों में इस शोबे की दर्जाबंदी में इजाफा होगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल किए जाने की तवक्का है।